बिग बॉस के इतिहास में कई सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें सलमान से तगड़ी फटकार लगी है, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनके खुद सलमान हो गए थे कायल। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं उन सदस्यों के बारे में जिनकी की सलमान ने तारीफ। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है आरती सिंह का, क्योंकि घर के अंदर सब गाली गलौज कर रहे थे लेकिन वो आरती ही थी जिसने अपने पूरे सफर में कभी भी गाली गलौज नहीं किया। इसके चलते बीबी 13 में सलमान ने आरती से कहा था, यू आर द मोस्ट वेल बिहेव्ड कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन। आरती ही है जो हदों को पार नहीं कर रही है। जी हाँ, ये थे सलमान खान के शब्द। वहीं हिना खान की तारीफ करते हुए सलमान ने कहा था, यू आर द ओरिजिनल एग्जाम्पल ऑफ बहू बनी बेब। जी हाँ, सलमान को लगता था कि हिना परफेक्ट एग्जाम्पल है बहू बनी बेब का। वहीं हितेन तेजवानी को सलमान ने कहा था कि बिग बॉस के इतिहास में आपके जितना बैलेंस्ड इंसान आज तक नहीं आया है। वेल यस, सलमान को हितेन का उलझा हुआ बर्ताव खूब भाया था। वहीं दीपिका कक्कड़ को सलमान ने कहा था, यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एक्टर इन टीवी इंडस्ट्री। जी हाँ, दीपिका को कहा था सलमान ने डिग्निफाइड। तो वहीं आसिम रियाज की तारीफ करते हुए सलमान ने उन्हें कहा था, ही मैन। और इस लिस्ट में छठा नाम है शहनाज गिल का, जिनके लिए सलमान ने कहा था, ये रोते हुए भी एंटरटेन करती हैं, हंसते हुए भी एंटरटेन करती हैं, कुछ ना करते हुए भी एंटरटेन करती हैं। जी हाँ, सलमान ने शहनाज को कहा था एंटरटेनर। तो ये थे वो छह नाम जिन्हें दिए सलमान ने अलग अलग एडजेक्टिव। किसी को ही मैन कहा, किसी को एंटरटेनर, किसी को बैलेंस्ड, तो किसी को डिग्निफाइड। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।